जय भीम साथियों, जब शूद्रों के मंदिर जाने से मंदिर अपवित्र हो सकते हैं, दलितों के जाने से मूर्तियाँ अपवित्र हो सकती हैं, मूर्तियाँ छूने से अपवित्र हो सकती हैं, तो वैसे ही बिहार के अंबेडकर चौक पर जब बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे रामचरित मानस का पाठ किया जाता है तो हमारे बाबा साहेब की मूर्ति और संविधान भी अपवित्र होते हैं। जब शूद्रों को अपवित्र माना जाता है तो हम भी मनुवादियों को अपवित्र मानते हैं जो हमारे बाबा साहेब के संविधान के ऊपर गलत बोलते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही किया था जब उन्होंने स्मृति को जलाया था, क्योंकि मनुस्मृति में वो चीज़ें लिखी थी जो शूद्रों के खिलाफ थी। शूद्रों को ऊँचा ना उठने दो, शूद्रों को सिर्फ पैरों की धूल समझो। शूद्रों को पैरों की धूल समझा गया था और शूद्रों को ऊँचा उठने का हक नहीं था। ये चीज़ें मनुवादी स्थिति में और मनुस्मृति के अंदर लिखी थी, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। और आज हम जिस स्थिति में चल रहे हैं, जिस स्थिति में जी रहे हैं, ऊँचा अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते पीते उड़ते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसका असर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है। मैं सभी उन बहुजन लोगों से आग्रह करता हूँ जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बाबा साहेब के बारे में ज़रूर बताया करें, संविधान के बारे में ज़रूर बताया करें, क्योंकि बहुजन समाज के उत्थान के लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने और बहुत सारे ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसमें से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं जिन्होंने अपनी चार चार संतानें खो दी, बहुजन समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कुमारी बहन मायावती जी हैं जिन्होंने आजीवन शादी नहीं की और आज भी कमा रही है बहुजन समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि मानेवर कांचीराम साहेब ने भी बहुत चीज़ें सही, बाबा साहेब ने भी बहुत चीज़ें सही, और आने वाला समाज जो था वो भी उन चीज़ों में आज चल रहा है। तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण, नवाब सब पलतो वाली चीज़ के बारे में कार्य करते हैं कि बहुजन समाज का उत्थान हो, बहुजन समाज जगे। वो दिन रात भीम आर्मी को समर्थन करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, घर घर गाँव गाँव जाकर, ताकि बहुजन समाज का उत्थान हो। साथियों, ये देश, ये दुनिया भारतीय संविधान के अनुसार चलती है, और वो संविधान बनाया हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये देश नहीं चलता तो सिर्फ मनुवादियों की मनुस्थिति और मनुस्मृति के वजह से। आज देश दुनिया के अंदर इतने देश हैं जो तरक्की कर चुके हैं, एक हमारा देश है जो तरक्की से नीचे है। कारण क्या है? सिर्फ जातिगत मामले। जहाँ पर शूद्रों के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे मामले इस देश के अंदर देखे जाते हैं, तो वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? जैसी विषय पर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त राजीव, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। साथियों, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जातिगत मामले देखे जाते हैं और ये हर रोज़ बढ़ रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। ये जातीय मामले बाबा साहेब अम्बेडकर के समय से चलते आ रहे हैं और आज भी कंटिन्यू चल रहे हैं। अक्सर देखा जाता है बहुजन लोगों के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाते हैं। गलती हमारे बहुजन समाज के लोगों के, जब मंदिरों में जाते हैं, जब आप लोगों को पता है कि मंदिरों में आप लोगों के जाने से मंदिर पवित्र हो जाते हैं, तो उन जगह जाना छोड़ दो जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं होती, बेइज्जती होती है, आपको जूते चप्पल डंडे और लाठी से मारकर भगाया जाता है। जी हाँ, और ऐसा ही मामला देखे गए थे बंगलुरु में और फिर देखा गया उत्तराखंड के अंदर। इससे पहले भी कई जातिगत मामले हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर भी ऐसे मामले देखे गए थे जहाँ पर बहुजन समाज के बेटे और बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और प्रताड़नाएँ हुई। एक मामला बिहार का भी हुआ जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब के अम्बेडकर की जो मूर्ति थी उसके नीचे मनुवादी लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, और पाठ जब कर रहे थे तो बहुजन समाज के लोगों ने जब इसका विरोध किया, वहाँ पर भीम आर्मी के जो समर्थक थे वहाँ पर पहुँचे, जब उनको पता लगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसके नीचे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उस वहाँ पर जब वो लोग पहुँचे तो उनके साथ भाजपा के सांसद हैं कोई, वहाँ पर उन्होंने हाथापाई की, उनको धक्का मुक्की करके वहाँ से भगाने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई हुई। तो ऐसे जातिगत मामले होंगे तो जब इस देश के अंदर, तो वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? सबसे पहले देश के अंदर से जातिवाद ख़त्म करो। देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म करो। इस दुनिया के अंदर इतने देश तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जातिवादी चीज़ें हैं नहीं, वहाँ सिर्फ सबको अपने काम से मतलब है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में, वहाँ पर बाबा शूद्र के मंदिर में जाने से मंदिर पवित्र हो जाता है, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ पर शूद्रों के जाने पर ठाकुर लोगों के द्वारा हल्ला बोला जाता है कि शूद्रों के आने से मंदिर अपवित्र हो गया है। अपवित्र कैसे हो गया? वही हड्डी मांस चमड़ी लेकर तुम मंदिर में जा रहे हो, और वही हड्डी मांस चमड़ी का शरीर लेकर शूद्र भी अंदर जाता है। सोच तुम लोगों की इतनी गंदी हो चुकी है कि तुम शूद्रों को अछूता समझते हो। अछूत तुम्हारी सोच है, जो तुम बहुजन समाज के लोगों को गंदा समझते हो, तुम्हारी सोच गंदी है। बहुजन समाज आज भी स्वच्छ है, ठीक है,
बहुजन समाज के लोगों को, ये बहुजन समाज के लोगों को जो है ये मनुवादी लोग, मनुस्मृति को समझने वाले लोग आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति, लड़का लड़की ऊपर उठता है तो ये इनकी आँख में खटक जाता है मनुवादी लोगों की। और आज हम जिस स्थिति में चल रहे हैं उसका श्रेय उन महापुरुषों के जिन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए सब कुछ कार्य किए, वो सब कुछ हमें दिया जो आज हम हासिल करके बैठे हैं। क्योंकि आज जिस स्थिति में है तो उनका श्रेय उन महापुरुषों का है, उन वीरांगनाओं का है, सावित्री बाई फुले, माँ ज्योतिबा फुले, बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं भी रहे जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। और आज भी बहुजन समाज के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं। भीमार मिले लो, बहुजन समाज पार्टी ले लो, बहुजन समाज पार्टी में कुमारी भर मायावती जी, भाई चंद्रशेखर रावण भीमारमी के हैं, और नवाब सतपाल तंवर हैं, भाई मंजीत सिंह नोटियाल हैं, और ऐसे अनेकों युवा हैं जो इस समय बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बाबा साहेब का जो मिशन रहा है कि सब जन एकजुट रहें, संघर्ष करें, संगठित रहें, तो इसका श्रेय उन महापुरुषों को भी रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आज हम स्थिति जिस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज की लड़के लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे खेल का हो या पढ़ाई का हो, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज बहुजन समाज के ऊँचे ऊँचे पद पर बैठे हैं, तो उसका श्रेय किसको है? हमारे बाबा साहेब को है। और बिहार का मैं मामला बता दूँ, आपको पता होगा बिहार के अंदर क्या घटा है। चंद्रशेखर प्रोफेसर जो है वहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाए, तो उनके ऊपर कुछ मनवादी लोगों ने इनाम रखा है कि जो भी चंद्रशेखर की जुबान काट कर लेकर आएगा उसको 10 करोड़ का इनाम देंगे। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं बोला? रामचरितमानस के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसी का तो उन्होंने बखान किया है कि पंडित अनपढ़ है, उसको पूजनीय हो गया, सर्वोपरि हो गया। लेकिन बहुजन समाज का कोई भी लड़का, चाहे वो PhD किया हुआ है, BTEC किया हुआ है, कितनी बड़ी पढ़ाई किया हुआ है, वो कहीं पूजने नहीं है। इसे साफ साफ दिखता है कि मनवादी लोग हमेशा अपने आप को ऊँचा रखना चाहते हैं और बहुजन समाज को नीचा रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज को ये उठते हुए और बढ़ते हुए उभरते हुए नहीं देख सकते। यहाँ से इनकी मनोदशा साफ दिख सकती है। और यही नहीं, बिहार के अंबेडकर चौक में जब बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, और वहाँ पर बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे वो पाठ किया जा रहा था, और वहाँ पर जब भीम आर्मी के लोगों को इसके बारे में पता चला कि हमारे बाबा साहेब, हमारे मसीहा की मूर्ति के पास में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो इसका जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ में हाथापाई की गई। भाजपा कार्यकर्ता बहुत सारे वहाँ ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों के साथ में धक्का मुक्की की, मैंने वो वीडियो देखी थी। ये वही लोग हैं जो बहुजन समाज को उठते हुए नहीं देख सकते। और इसके खिलाफ जब बहुजन समाज के लोगों ने और भीम आर्मी के समर्थकों ने वहाँ पर आवाज़ उठाई तो उनको धक्का मुक्की की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। भाई जब हमारे समाज के लोग किसी मंदिर के आगे जाकर संविधान को नहीं पढ़ते, संविधान की बात नहीं करते, तो आप बहुजन समाज के जो समाज सुधारक हैं, मसीह हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उनकी मूर्ति के सामने रामचरितमानस का पाठ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है? जब सूत्रों के जाने से काशी विश्वनाथ जैसा मंदिर अशुद्ध हो सकता है, तो तुम्हारे रामचरितमानस के पढ़ने से और हमारे बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे उस पाठ को पढ़ने से हमारी मूर्ति भी अपवित्र होती है, हमारे बाबा साहेब भी अपवित्र होते हैं।